दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आप लोगों ने MRI स्कैन के बारे में काफी कुछ सुना होगा, जिसमें पूरे शरीर के एक एक हिस्से की जानकारी मिलती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। MRI स्कैन करवाने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और सबसे बड़ी बात कि MRI स्कैन करने के लिए कितना खर्च आता है। तो दोस्तों आप चिंता मत करो, क्योंकि आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको MRI स्कैन से जुड़ी ऐसी ऐसी जानकारियां देने वाला हूं, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहला सवाल ये आता है कि MRI स्कैन होता क्या है। असल में इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इसमें मैग्नेटिक वेव्स की मदद से बॉडी पार्ट्स की डिटेल इमेजिंग ली जाती है। दोस्तों MRI स्कैन टेस्ट को डॉक्टर आमतौर पर तभी रिकमेंड करते हैं जब कोई ट्रीटमेंट प्लान करना हो, या फिर दिए गए ट्रीटमेंट से कितना रेस्पॉन्स आ रहा है वो पता करना हो। अगर ब्रेन में किसी भी वजह से कोई हेमरेज है, या फिर कोई स्वेलिंग है, या किसी भी तरह का कोई दौरा पड़ता है, तो MRI स्कैन ब्रेन परफॉर्म करवाया जाता है, जिसमें केवल दिमाग वाले हिस्से का MRI स्कैन होता है। अब जैसे कि किसी को बैक पेन है, तो इस केस में MRI स्कैन लंबर स्पाइन, और अगर किसी को नेक पेन है तो सर्वाइकल स्पाइन का MRI स्कैन होता है। दोस्तों इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों के MRI स्कैन होते हैं, क्योंकि डॉक्टर को शरीर के जिस हिस्से की जानकारी लेनी होती है उसी का MRI स्कैन रिकमेंड करता है। लेकिन अगर डॉक्टर चाहे तो फुल बॉडी MRI स्कैन भी करवा सकता है, ताकि पूरी बॉडी की जानकारी मिल जाए, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक वेव्स के जरिए शरीर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें निकलती है, जिससे शरीर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं ये साफ साफ पता चल जाता है। दोस्तों MRI स्कैन करवाने से पहले कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई मेटल है, जैसे कि डेंटल इम्प्लांट, किसी भी ऑपरेशन के दौरान आपकी बॉडी में कोई मेटल प्लेट डाली गई हो, या फिर हार्ट में पेसमेकर लगा हो, तो आपको MRI कराने से पहले टेक्नीशियन को बताना पड़ता है। ध्यान रहे, अगर आप पेसमेकर के साथ MRI करवाते हैं तो पेसमेकर खराब भी हो सकता है। और हाँ, प्रेग्नेंट महिलाएं ये बात अपने टेक्नीशियन को जरूर बताएं, फिर चाहे वो एक महीने की प्रेग्नेंट ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि MRI करने से पहले आपकी डिटेल हिस्ट्री लेने के लिए एक पेपर भी साइन करवाया जाता है, जो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किन किन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों ध्यान रहे, MRI टेस्ट के दौरान आपने कोई भी मेटल कैरी ना किया हो, जैसे कि आपकी पैंट में जिप नहीं होनी चाहिए, गले में चैन नहीं होनी चाहिए, इसी तरह बालों की पिन से लेकर सिक्कों तक कोई भी मेटल वाली चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब MRI स्कैन को खराब कर देते हैं, इसलिए डॉक्टर इन्हें पहले से ही उतरवा कर रख लेता है। MRI करवाते समय आपको अपने सारे कपड़े उतार कर सेंटर पर दिए गए कपड़ों को पहनकर MRI टेबल पर लेटना होता है, और जिस बॉडी पार्ट का स्कैन कराना है उसकी प्रॉपर तौर पर पोजिशनिंग की जाती है। उसके बाद आप धीरे धीरे मशीन के अंदर डाले जाते हैं। दोस्तों इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं होती, क्योंकि ये टेस्ट बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। यहाँ तक कि MRI स्कैन करवाने के तुरंत बाद आप अपने घर जा सकते हैं। इस स्कैन के दौरान कुछ आवाजें आती है, जो किसी मशीन के चलने की आवाज जैसी होती है। मरीज को ये आवाज ज्यादा सुनाई ना दे, इसलिए MRI स्कैन मशीन में लेटाने से पहले हेडफोन लगाया जाता है, और उसके हाथ में अलार्म भी दिया जाता है, ताकि किसी भी तरीके की उसे कोई तकलीफ हो तो टेक्नीशियन को आसानी से बुलाया जा सके। दोस्तों अगर आप क्लस्ट्रोफोबिक है, या फिर आपका वजन ज्यादा है, जैसे कि आपका वजन 130 किलो से ज्यादा हो, तो चिंता मत करो, मार्केट में ओपन MRI या फिर स्टैंडिंग MRI के विकल्प भी मौजूद है, जिसमें आपको MRI मशीन के अंदर नहीं लेटाया जाता, बल्कि ओपन तरीके से आपकी MRI परफॉर्म की जाती है। अगर हम MRI के टाइप के बारे में बात करें, तो दोस्तों वैसे तो मार्केट में 1.5 से लेकर 3 टेस्ला तक MRI अवेलेबल है। अब आप बोलेंगे ये टेस्ला क्या बोला है, तो दोस्तों असल में टेस्ला MRI की रेजोल्यूशन डिफाइन करने की यूनिट है। ठीक वैसे ही जैसे कैमरे में पिक्सल को यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही MRI के केस में टेस्ला यूनिट होता है, जहां 3 टेस्ला वाली रेजोल्यूशन 1.5 टेस्ला से बेहतर होती है। लेकिन कभी कभी रेजोल्यूशन की वजह से गलत डायग्नोसिस होने के विकल्प भी होते हैं।
ऐसे में अगर डॉक्टर ने आपको स्पेसिफिक टेस्ला रिकमेंड नहीं किया तो आप 1.5 टेस्ला के रेजोल्यूशन वाला MRI करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने कोई स्पेसिफिक टेस्ला रिकमेंड किया तो आप उसी हिसाब से MRI करवाएं, या फिर टेस्ट करवाने से पहले एक बार डॉक्टर से इसकी पूरी जानकारी जरूर ले लें। दोस्तों, कई केस में डॉक्टर मेडिसिन के साथ भी MRI करने को कहते हैं, जिन्हें कॉन्ट्रास्ट MRI कहा जाता है। इस मेडिसिन को इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में डालकर स्कैन किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह की MRI करवाने से पहले कम से कम 4 से 5 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं चाहिए। इस टेस्ट को करने से पहले आपका छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है, जो कि मामूली सा टेस्ट है। ध्यान रहे, अगर इस टेस्ट की रिपोर्ट 30 दिन से पुरानी है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, कि आखिर इस टेस्ट की कॉस्ट कितनी आती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी सिंगल बॉडी पार्ट की बात करें तो उसकी कॉस्ट मार्केट में करीब 7,000 से 8,000 तक होती है। अलग अलग अस्पतालों में इसकी कॉस्ट अलग अलग भी हो सकती है, जहां आपको कम ज्यादा रुपए देने पड़ सकते हैं। और अगर हम फुल बॉडी MRI टेस्ट की बात करें तो वो 10 से 15 हजार की कॉस्ट में हो जाता है। लेकिन हाँ, इस बात का पूरा ध्यान रखें, जहां कहीं भी आप MRI टेस्ट करवाने जाएं, वहां इस टेस्ट से जुड़ी सारी जानकारी आपको सही मिले, ताकि आपके साथ कोई घटना ना हो और आपको सही रिपोर्ट मिल जाए। क्योंकि इस तरह के MRI टेस्ट के बहाने लोग पैसे भी छाप रहे हैं, जिससे आपको बचना है और सही जगह पर अपना MRI स्कैन करवाना है। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।